मित्रों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों आज आप जानेंगे कि आप अपने पशुओं के पेट के अंदर जो कीड़े बलते हैं उनमें से एक कीड़ा के बारे में आप जानेंगे, जिसको हम फीता कृमि बोलते हैं, हम टेपवर्म बोलते हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। मित्रों आज तक अपने YouTube चैनल पर आपने पशुओं के लिए इस तरीके की वीडियो नहीं देखी होगी। मित्रों जब आपका पशु स्वस्थ होगा तभी आप स्वस्थ होंगे, और आप मेरी जानकारी के द्वारा अगर आपको कोई फायदा पहुंचता है तो मुझे आप अपने दिलों में बिठा लेंगे। तो मित्रों जैसा भी हो, वीडियो अच्छा लगता है दिल में जगह दीजिए, वीडियो नहीं अच्छा लगता है आप बोलिए मेरे से, डिसलाइक करके दीजिए, कमेंट करके दीजिए कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है। इस वीडियो को पशुपालक देख सकते हैं, हमारे बायोलॉजी साइंस के पढ़ने वाले बच्चे देख सकते हैं, और ये वीडियो सभी लोग देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि हमें कैसे टेपवर्म और फीता कृमि से अपने आप को बचाना है, अपने पशु को बचाना है, अपनी गाय को बचाना है, अपनी भैंस को बचाना है, अपने बकरी को बचाना है, अपने कुत्ते को बचाना है, ये सारा चीज आप जानेंगे। मित्रों आप पशु पक्षी चैनल को सब्सक्राइब करके आप पशु पक्षी परिवार में आप शामिल हो सकते हैं, और दूसरी चीज है आप हमारे पशु पक्षी फेसबुक पेज पर भी आप लाइक करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी हमारी नीचे चल रही है। मित्रों वीडियो देखने के पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर भी है, डिस्क्लेमर को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लें। तो मित्रों चलो चलते हैं टेपवर्म फीता कृमि के बारे में विस्तार से जानते हैं, और अगर आपका पशु इससे ग्रसित है तो इसका निराकरण भी आप देखेंगे। तो चलो चलते हैं। मित्रों सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये टेपवर्म यानी फीता कृमि की ये तीन मुख्य प्रजातियां होती हैं। नंबर एक टीनिया सेजिनाटा, नंबर दो टीनिया सेलियम, और नंबर तीन टीनिया एशियाटिक बोलते हैं। मित्रों ये तीन तरीके के जो टेपवर्म होते हैं, नंबर एक टीनिया सेजिनाटा, नंबर दो टीनिया सेलियम, और तीसरा हमें जो मिलता है वो डेपिलोवोट्रियम मिलता है। तीनों कीड़ों के बारे में जानने से पहले हम आपको इसका वर्ग और इसका संक्षिप्त विवरण आपको इस तरीके से देना चाहते हैं जो आपके काम आ सकता है। मित्रों ये टेप वर्म यानी फीता कृमि वर्म ये प्लेटी हेलमेंथीज ग्रुप का होता है। इसको प्लेटी हेलमेंथीज के संघ में डाला गया है। प्लेटी माने होता है चपटा और हेलमिन माने होता है कीड़े। इनमें कई स्तर के प्रोटोस्टोमी यूमेटोजोवा होते हैं। इनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती है। इनके शरीर की कोशिकाएं मिलकर के एक निश्चित टीशू का निर्माण करती हैं, इसलिए ये कई खंडों में दिखते हैं। इस टेपवर्म को वैज्ञानिक गेगेनवार ने प्लेटी हेलमेंथीज ग्रुप यानी संघ में रखा है। मित्रों ये टेपवर्म यानी फीता कृमि, ये मान के चलिए कि रीढ़ की जितने भी जंतु को हड्डी होती है उन सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे गाय भैंस घोड़ा गधा भेड़ बकरी आदमी कुत्ता सुअर मछलियों में भी पाया जाता है। मित्रों इनका शरीर कोमल चपटा और कई खंडों में बना होता है। इनमें कोई भी देह गुहा नहीं पाई जाती है। ये टेपवर्म जहाँ जिसके शरीर में रहते हैं उसी के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं और बहुत बड़े होते हैं। खास बात ये है कि एक टेपवर्म के शरीर में मेल और फीमेल के दोनों अंग होते हैं। टेपवर्म के खंडों में चूसक अंग एवं कांटे रहते हैं, इसलिए चूसक से पलने वाले शरीर में खून चूसते रहते हैं और कांटों को आंतों में गड़ा करके चिपके रहते हैं। इस टेपवर्म यानी फीता कृमि में किसी प्रकार की हड्डी स्वतंत्र तंत्र और परिसंचरण तंत्र नहीं होते हैं। मित्रों प्लेटी हेलमेंटीज ग्रुप के दो परजीवी और होते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे पशु पक्षी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम आगे वीडियो को अपलोड कर सकूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और सबसे पहले आप इस प्लेटी हेलमेंटीज के दोनों कीड़ों के बारे में आप जान सकें। मित्रों पशुओं और आदमियों में पाए जाने वाले टेपवर्म यानी फीता कृमि में शरीर तीन भागों में होता है। नंबर एक जो होता है सर कहलाता है, यानी इसको स्कोलेक्स के नाम से हम जानते हैं। दूसरा होता है गर्दन यानी हम ग्रीवा का इसके नाम से जानते हैं, और इस्ट्रोबाला यानी धड़ होता है जो गर्दन के बाद से लेकर के अंत तक होता है। इनका शरीर 800 से लेकर 1000 खंडों में लगभग बटा होता है। टेपवर्म जिसके भी पेट में रहता है उसके आंतों से पचा पचाया भोजन खाता रहता है। अगर ये भूखा होता है तो अपने चूसक अंगों उस आंतों में खून चूसता है
और ये अपने कांटों के द्वारा शरीर में चिपका रहता ताकि ये सरक ना जाए। मित्रों ये टेप वर्म यानी फीता कृमि एक अमेरिकन कीड़ा है। ये मनुष्यों के में इंटरब्रेकर के रूप में रहता है। इनकी कुछ प्रजातियां तो पशु के आंतों में 20 से 30 मीटर यानी 60 से लेकर लगभग 100 फुट तक हो जाती हैं और ये कीड़ा सैकड़ों खंडों में दिखता है और प्रत्येक खंड को मेडिकल साइंस में प्रोलगेटेड कहा जाता है। मित्रों ये पशुओं के पेट में 20 साल तक जिंदा रह सकता है और दुनिया के लगभग हर कोने में ये टेप वर्म यानी फीता कृमि पाया जाता है। मित्रों अब आप जानेंगे कि ये टेप वर्म यानी फीता कृमि कौन सा कीड़ा किस जानवर में और कौन से कीड़ा हमारे मनुष्यों के शरीर में पाया जाता है और कैसे पहुंचता है। आप सबसे पहले जानें टीनिया सेजिनाटा के बारे में। ये गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा गधा कुत्ता में पाया जाता है और इसके गोबर यानी इसके मल द्वारा इसके अंडे लार्वा जमीन पर आकर फैलते हैं। वही अंडे और लार्वा हमारे कच्ची सब्जियों में जाते हैं, उसी के द्वारा हमारे मुंह में जाता है और हमारे शरीर में टेपवर्म पनप जाता है। दूसरा कारण हमें दूषित पानी पीने से भी हो जाता है। तीसरा जो जानवरों में फैलता है तो सबसे पहले जो जानवर चारागाह में चरते गोबर करते हैं वो अंडे और उनके लार्वा फैल जाते हैं, दूसरा जानवर में उस चारागाह में चरते हुए उनके मुंह में चला जाता है या उन खेतों में जहां पर हम मल त्याग करते हैं वहां से वो फैलता है और जब हम घास काट के लाते हैं और उस घास में हम अपने यहाँ जानवर को खिलाते हैं तो उन घास के द्वारा हमारे पशुओं में जाता है। तो मित्रों ये थी कहानी टीनिया सेजिनाटा। अब हम आते हैं दूसरा टीनिया सोलियम नाम के कीड़े की। ये टीनिया सोलियम नाम का टेपवर्म यानी फीता कृमि ये खास करके सुअरों में पाया जाता है। ये इनका निवास केवल सुअर ही होते हैं और ये इतने खतरनाक कीड़े होते हैं अगर इनके सुअर के मांसों को हम अधपका या कच्चा खा जाएं तो इनके मांसों के अंदर इनके अंडे होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर के मनुष्य के शरीर में जाकर के ये हमारी किडनी हमारा लीवर हमारा दिल हमारा गुर्दा ये सब खराब कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर इनके अंडे खून की नलिकाओं में अगर घुस जाते हैं तो ये हमारे दिमाग तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये इतने खतरनाक टेप और फीता कृमि वर्म्स होते हैं। मित्रों तीसरा आपको तीसरा टेप वर्म बता रहा हूं जो फीता कृमि होता है वो मछलियों में पाया जाता है, उसको डिपिलोवोटीरियम नाम से जाना जाता है। मित्रों आपके पशु के शरीर में रहने वाले टेप वर्म यानी फीता कृमि में जो प्रोलगोटेड खंड होते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो हर प्रोलगोटेड खंड उसमें अंडों का उत्सर्जन करता है। इस तरीके से पशुओं के पेट में लाखों करोड़ों अंडे ये देते रहते हैं और पनपते रहते हैं। इन टेपवर्म को आपको खत्म करना ही करना है। मित्रों आप ये समझ लीजिए कि ये जहां टेपवर्म होते हैं उनके शरीर के आंतरिक अंगों में हमेशा घाव बना रहता है क्योंकि इनके जो कांटेदार होते हैं चिपकने वाले होते हैं ये उस लेयर को हमेशा जो है छेदते रहते हैं और उसमें वो घाव बनता रहता है। इसलिए इनका समूल नाश करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मित्रों अगर आपके यहाँ पशुओं में गाय भैंस में टेपवर्म यानी फीता कृमि है तो आपके जानवर का शरीर बिल्कुल दुबला पतला रहेगा, पतली दस्त होना निश्चित रहेगा और छोटे बच्चों में पेट में अचानक दर्द होगा या हमेशा दर्द होता रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटा बछड़ा कटिया कटड़ा एकदम गिर करके छटपटाता है, ये टेप वर्म के लक्षण हैं। अगर आपके जानवर में टेप वर्म है तो दूध में फैट का कम हो जाना एकदम निश्चित है, दूध कम देना, वजन कम होना, शरीर में विकास रुक जाना क्योंकि शरीर के अंगों से वो खून को चूसता रहता है। दूसरी चीज़ ये पचा पचाया भोजन करता है इसलिए आपके पशुओं में खनिज लवण की भारी गिरावट होगी। अगर ये थनों की मांसपेशियों में पहुँच जाता है टेपवर्म तो ये आपको थनैला रोग को भी प्रदर्शित करता है, शरीर एकदम जर्जर हो जाएगा। अगर जानवर को आप गर्भित होना देखना चाहते हैं बांझपन से बचाना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं में टेपवर्म का समूल नाश जरूर करें। मित्रों यहाँ हमने कुछ दवाइयाँ आपको दिखाई हुई है, इसको आप ले लीजिए और अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार आप उससे डोज पूछ लीजिए खुराक पूछ लीजिए तभी आप अपने पशुओं को ये दवाइयाँ दे सकते हैं। ये दवाइयाँ आदमियों के लिए बिल्कुल नहीं है, पशु डॉक्टर के बिना पूछे आप कदापि ना दें क्योंकि अगर आप अपने आप से देते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
आप अपने डॉक्टर से ही पूछ करके इस दवाइयों को प्रयोग में लें, आप अपने हिसाब से बिल्कुल ना दें। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उससे हमें ये आसानी होगी कि आपकी पसंद क्या है, मैं उस हिसाब से वीडियो आपके पास लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो निसंकोच आप मुझे डिसलाइक कर दीजिए, अन्यथा आप लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करके जरूर बताइए। मित्रों मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, बाय बाय मित्रों।